हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 22440। ये जो ट्रेन है 5 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई थी। हफ्ते में 6 दिन चलती है, मंगलवार को छोड़ के बाकी सारे दिन ये चलती है। कटरा से नई दिल्ली की जो दूरी है ये 8 घंटे में कवर करती है और इसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं। 655 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 82 किलोमीटर पर आवर। कटरा से नई दिल्ली के बीच में ये सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है। ये जो ट्रेन की टाइप है वो है ट्रेन 18 टाइप की ये ट्रेन है और इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। आगे हम इसके टिकट किराए के बारे में बात करेंगे, तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो कटरा से नई दिल्ली तक का होगा। बाकी अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके आप जरूर चेक कर लें। इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास के कोच हैं जिसका किराया जो है लगभग 3100 रुपये है, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और कैटरिंग चार्ज शामिल होते हैं। दोस्तों, इसमें आप फूड जो है ऑप्शनल भी ले सकते हैं, इससे आपका किराया जो है कम हो जाएगा। और AC चेयर कार का जो किराया वो है तकरीबन 1650 रुपये। इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज, कैटरिंग चार्ज शामिल होते हैं और सुपरफास्ट चार्ज भी शामिल होते हैं। अगर आप फूड ऑप्ट करते हैं तो आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। आपको नाश्ता और जो डिनर जो है प्रोवाइड किया जाता है इस ट्रेन में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 6 दिन चलती है, हर मंगलवार को छोड़ के ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से दोपहर के 3 बजे रवाना होती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और इसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन जम्मू तवी में पहुंचती है शाम के 4:13 पे और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:32 पे और 7:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। लुधियाना के बाद ये हरियाणा के इकलौते स्टेशन अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंचती है रात के 8:48 पे और 8:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन नई दिल्ली में रात के 11 बजे पहुँचती है और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक कि जो टोटल जर्नी है 655 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को के रिगार्डिंग कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। एंड में थोड़ा सा आपको बोनस देता हूँ, मैंने इस वंदे भारत में ट्रैवल किया था तो मेरे को कुछ यूट्यूबर्स जो हैं मिले थे, तो उनकी मैं आपको फोटोज़ के साथ उनका नाम मेंशन करता हूँ। ये जो है रेलो क्लिकर हैं और ये जो हैं लेजेंड हैं रेल ज्ञान कोश के संदीप भाई। आप इनके चैनल पे जाके जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो लेडी हैं इनका नाम है विशाली, इनके चैनल का नाम है एक्सट्रीम रोड्स और ये इकलौती फीमेल जो हैं रेल व्लॉगर हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।